हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन और कंजक्शन के कुछ बेसिक रूल्स, और ये बेसिक रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, s.englishadvantage.in। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कंजक्शन और प्रपोजिशन के कुछ बेसिक रूल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, एक कंपेयर से रिलेटेड एक रूल है कि कंपेयर के बाद आप दो वर्ड लगा सकते हैं, एक कंपेयर के बाद आप टू लगा सकते हैं और एक कंपेयर के बाद आप विद लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर के बाद टू आप तब लगाएंगे जब आप सिमिलरिटी को बताएंगे, दो चीज़ों के बीच में जब सिमिलरिटी को बताएंगे तब आप टू लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया है ट्रिक, तो ट्रिक में सिमिलर के बाद हम टू लगाते हैं, तो इसलिए जब हम सिमिलरिटी को बताएंगे तो कंपेयर के बाद टू लगाएंगे, और यदि हम डिफरेंसेस बताएंगे तो कंपेयर के बाद हम विद लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब हम सिमिलरिटी बताएंगे तो कंपेयर के बाद टू लगेगा, और जब हम डिफरेंसेस बताएंगे तब कंपेयर के बाद विद लगेगा। अब यहाँ पर सेंटेंस एक देखिए, बीरेन सहवाग बैटिंग मे बी कंपेयर्ड विद द सेल्स ऑफ ए यूजफुल बुक, दे स्कोर फास्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बीरेन सहवाग की बैटिंग को एक यूजफुल बुक की बैटिंग, एक यूजफुल बुक की सेल से कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरह से एक अच्छी बुक होती है वो शुरुआत से ही बिकना शुरू कर देती है, उसी तरीके से बीरेन सहवाग की जो बैटिंग है वो शुरू से ही रन बनाना शुरू कर देते हैं। तो यूजफुल बुक की सेलिंग और बीरेन सहवाग की बैटिंग, इनको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, सिमिलरिटी बताई जा रही है कि बीरेन सहवाग की बैटिंग है और यूजफुल बुक की सेल्स है, वो दोनों सेम चीज़ें हैं, उनको उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो इसलिए इस सेंस में हम यहाँ पर विद ना लगाते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे टू। देखिए, ये रेड कलर में जो सेंटेंस दिया है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिखा हुआ है, और ग्रीन कलर में जो सेंटेंस दिया है वो करेक्ट सेंटेंस है। तो इस सेंस में हम यहाँ पर टू लगाएंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सेंटेंस देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं। इफ़ वी कंपेयर डेली यूनिवर्सिटी टू द रीजनल वंस, वी फाइंड द फॉर्मर टू बी मच मोर एफिशियंट। इसमें हम डिफरेंस बता रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि डेली यूनिवर्सिटी जो है वो रीजनल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा एफिशियंट है। इसमें हम सिमिलरिटी नहीं बता रहे हैं, इसमें हम डिफरेंस बता रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंपेयर के बाद क्या लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, हम विद लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर टू लगा हुआ है, कंपेयर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टू लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कंपेयर के बाद विद लगा हुआ है। तो चूंकि हम डिफरेंस बता रहे हैं इसलिए कंपेयर के बाद इसमें हम विद लगाएंगे, और ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। और देखिए, मिसमैच जब होता है, जब डिफरेंसेस बताते हैं तो मिसमैच विद, मिसमैच के बाद हम विद लगाते हैं, तो ये इसकी ट्रिक है। तो कंपेयर के बाद जब हम सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करेंगे, सिमिलरिटी बताएंगे दो चीज़ों की, तो उसमें हम टू लगाएंगे, और जब हम डिफरेंस बताएंगे तो हम विद लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इम्प्रूवमेंट इन और इम्प्रूवमेंट ऑन, जब हम किसी एक ही चीज़ में इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो उसके बाद हम इन लगाएंगे, इम्प्रूवमेंट के बाद हम इन लगाएंगे, और जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट ऑन बोलेंगे। इस ये चीज़ आपको सेंटेंस से अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए, देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट ऑन द वेदर, मतलब वेदर में इम्प्रूवमेंट है, हम एक ही चीज़ में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस सेंस के लिए हम यहाँ पर वेदर के लिए इन लगाएंगे। ये वाला सेंटेंस इसमें, नीचे वाला जो सेंटेंस है ये इसमें सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए, टुडेज वेदर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन यस्टरडेज, मतलब आज का वेदर जो है वो कल के वेदर पर एक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो टुडेज वेदर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑन यस्टरडेज, मतलब आज का वेदर जो है वो कल के वेदर से अच्छा है। इसमें हम आज के वेदर की तुलना कल के वेदर से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आज का वेदर जो है वो कल के वेदर से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो इस सेंस में हम इम्प्रूवमेंट के बाद हम ऑन लगाते हैं, और यदि एक ही चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो इस सेंस में हम इम्प्रूवमेंट के बाद इन लगाते हैं। तो एक ये चीज़ आपको सीखना है, दो कॉन्सेप्ट हुए। चलिए आगे ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन का क्या मतलब है और विद इन का क्या मतलब है। देखिए, इनका मतलब होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, इनका मतलब होता है एट द एंड ऑफ। ठीक है, एट द एंड ऑफ, किसी चीज के आखिरी में। और विद इन का मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ। इनका मतलब होता है एट द एंड ऑफ, मतलब आखिरी में, और
मतलब समाप्ति पर या समाप्ति के बाद, इनका मतलब है समाप्ति के बाद, और विदिन का मतलब है समाप्ति से पहले, इन दोनों का मतलब है। अब यहां पर ये सेंटेंस देखिए आप, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और ये करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए, वी लेफ्ट एट 2 o'clock एक्सपेक्टिंग टू कम बैक इन एन आवर एंड वॉच द 3 o'clock मूवी। मतलब हमने 2 बजे वहां से छोड़ दिया और ये हमने उम्मीद की कि हम वापस आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, तभी तो हम 3 बजे वाली मूवी देख पाएंगे। यदि 1 घंटे के बाद आएंगे तो 3 बजे वाली जो मूवी है वो निकल चुकी होगी। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, वी लेफ्ट एट 2 o'clock एक्सपेक्टिंग टू कम बैक इन एन आवर। मतलब हमने 2 बजे वहां से छोड़ दिया, वहां से हम चले गए और हमने ये उम्मीद लगाई कि 1 घंटे के बाद हम आ जाएंगे, और यदि आप 1 घंटे के बाद आते हैं तो मूवी ऑलरेडी आपकी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि मूवी का जो टाइम है वो 3 बजे है। तो इसलिए इन ना बोलते हुए यहां पर आप बोलेंगे विद इन। अब देखिए, वी लेफ्ट एट 2 o'clock एक्सपेक्टिंग टू कम बैक विद इन एन आवर, क्योंकि जब आप 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे तभी आप 3 बजे वाली मूवी सही तरीके से देख पाएंगे। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस है वो गलत है। नीचे वाला ये वाला सेंटेंस देखिए, आई गॉट टू सी माई डियर फ्रेंड आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर, हाउ विद इन ए ईयर ही हैज चेंज्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, आप अपने फ्रेंड से मिले एग्जैक्टली 1 साल बाद। ठीक है, तो इसलिए यहां पर विद इन का प्रयोग ना करते हुए हम प्रयोग करेंगे इनका, क्योंकि 1 साल बाद आप मिले हैं, 1 साल पहले नहीं, 1 साल, 1 साल के भीतर भीतर नहीं मिले हैं, 1 साल के बाद उससे मिले हैं, तो इसलिए इसमें इनका प्रयोग सही होगा। तो यहां पर अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, और इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, फिलर्स के क्वेश्चन, इनको आप आसानी से कर पाएंगे। यहां पर कुछ कंजक्शन के रूल हम देखते हैं। देखिए, जो सिंपल चीज़ें हैं, जो रूटीन चीज़ें हैं, वो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। जो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, जो थोड़ी सी टफ होती हैं, उस तरह की मिस्टेक्स और उस तरह की इरर्स पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं वही आपको बता रहा हूँ, ऐसी इरर बता रहा हूँ जो नॉर्मली कॉमन नहीं है, अनकॉमन है और नॉर्मली एग्ज़ाम में आती हैं। देखिए, एक फ्रेज़ है सेल्डम और नेवर, और एक फ्रेज़ है सेल्डम और एवर। तो इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही है सेल्डम और नेवर, क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, और नेवर का मतलब तो नेवर है ही, तो ये दोनों क्लोजली रिलेटेड वर्ड हैं। अभी यदि आप यहाँ देखें, सेल्डम जिसका मतलब होता है कि बहुत कम या ऑलमोस्ट नेवर, और एवर का मतलब होता है हमेशा, तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं, ये दूर का डिफरेंस है इनमें, काफ़ी डिफरेंस है, जबकि ये जो वर्ड हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इसलिए सेल्डम और नेवर कहना हमेशा सही होता है, सेल्डम और एवर कहना गलत होता है। ठीक है, ये जो फ्रेज़ है ये सही है, ये जो फ्रेज़ है ये गलत है। देखिए, यहाँ पर लिखा है सेल्डम मीन्स ऑलमोस्ट नेवर, सेल्डम एंड नेवर आर क्लोजली रिलेटेड वर्ड। ठीक है, सेल्डम का मतलब है ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है, और नेवर का मतलब है नेवर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सेल्डम का मतलब है कि कभी नहीं, ना के बराबर, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1%, और नेवर का मतलब है 0%। तो 0% और 1% मतलब आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, जबकि यदि यहां आप देखें सेल्डम और एवर, तो यहां पर हो गया 1% और यहां पर हो गया 100%, तो ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। इस तरीके से आपको इसको सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को। अब आप देखिए यहां पर क्या है, द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क सेल्डम और एवर टेलीकास्ट एंटरटेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब नेशनल टेलीविजन नेटवर्क जो है वो बहुत ही कम, ना के बराबर, एंटरटेनिंग प्रोग्राम को टेलीकास्ट करता है। तो यहां पर सेल्डम के साथ चूंकि एवर लगा हुआ है इसलिए ये गलत है, यहां पर सेल्डम के साथ नेवर का यूज हुआ है इसलिए सेंटेंस सही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये जो सेंटेंस है ये आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे नीदर नॉर हुआ, ईदर और हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, बोथ एंड हुआ, ऑल्दो हुआ, एट हुआ। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। एक तो नीदर के बाद देखिए ये पेयर हैं, ये कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब है कि पेयर्ड कंजक्शन, ये पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे नीदर के बाद नॉर ही आएगा, नीदर के बाद यदि आप और लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ईदर के बाद आप नॉर लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नीदर के बाद नॉर आएगा, ईदर के बाद और आएगा, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, बोथ के बाद हमेशा
एंड आएगा और ऑल्दो के बाद ये एट आएगा। एक तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखिए, और एक बेसिक रूल ये है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट वाले कंजक्शन के बाद आएगा, यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच नीदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉर के बाद आएगा, ठीक है। ये एक बेसिक, ये सभी में अप्लाई होगा, इन सभी में ये अप्लाई होगा। अब देखिए यहां पर सेंटेंस देखिए, ही नीदर अग्रीड टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज, ठीक है। अब इस सेंटेंस को सही करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नीदर के बाद और नॉर के बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, यदि एक समान पार्ट ऑफ स्पीच हैं तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज गलत है। अब इसमें देखिए नीदर के बाद क्या है, एग्रीड, और एग्रीड क्या होता है, वर्ब है, और यहां पर नॉर के बाद क्या है, टू, तो मतलब यहां पर टू है और यहां पर एग्रीड है, तो इसका मतलब मिसमैच हो रहा है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें नीदर के बाद टू लगा हुआ है और इसमें नॉर के बाद टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें जो चीज नीदर के बाद लगी है वही चीज नॉर के बाद लगी है, ठीक है। तो एक आपको ये रूल को अच्छे तरीके से समझना है। यहां पर देखिए, यहां पर नीदर के बाद देखिए क्या लगा है, डेड लगा है। यहां पर नॉर के बाद देखिए वर्क लगा है। नीदर के बाद डेड लगा है मतलब ये एक एडजेक्टिव है, और नॉर के बाद वर्क लगा है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मिसमैच हो रहा है। यहां पर देखिए नीदर के बाद वेंट लगाया है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और नॉर के बाद वर्क लगाए जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है नीचे वाला जिसमें करेक्ट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका सही है। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। देखिए दैट के बेस पे कुछ सेंटेंसेस आते हैं, दैट का प्रयोग आपको इन सिचुएशंस में नहीं करना है। डायरेक्ट जो नरेशन होता है जिसमें एक सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, उसमें हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पहले हम दैट का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, ये डायरेक्ट नरेशन का एक क्वेश्चन है, ही सैड दैट, यहाँ पर सैड भी लगा दिया और दैट भी लगा दिया, तो ये इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और डायरेक्ट नरेशन में हम सैड के साथ हम यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है इसमें, इसलिए ये नीचे वाला सेंटेंस में दैट नहीं है और ये सेंटेंस आपका सही है। अब यहां पर देखिए ही आस्क्ड मी, इसमें देखिए डब्ल्यू एच जो वर्ड है इससे पहले दैट लगा दिया है, ये गलत है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये सेंटेंस आपका सही है इसमें नीचे वाला, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखिए ऑल्दो के बारे में काफी अच्छा इसमें समझाया है। देखिए ऑल्दो के बाद हम क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं, ठीक है। ऑल्दो के बाद या तो आप कॉमा लगाइए या येट लगाइए, दोनों चीज़ें नहीं लगाई जाती, तो एक तो ये ऑल्दो वाला आपको समझना है, और एक नथिंग एल्स, नथिंग एल्स चूंकि कंपेरेटिव डिग्री नहीं है इसलिए इसके बाद हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बाद हम बट का प्रयोग करेंगे, एक आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने चार ग्रीन कलर में सेंटेंस दिए हैं, ये चारों के चारों सेंटेंस करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट है और ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऑल दो आई एम टायर्ड येट आई कीप वॉकिंग, इसमें ऑल दो के बाद येट का प्रयोग हुआ है इसलिए ये सेंटेंस सही है। ऑल दो आई एम टायर्ड आई कीप वॉकिंग, इसमें येट के स्थान पर कॉमा का प्रयोग हुआ है इसलिए ये सेंटेंस सही है। आई एम टायर्ड बट आई कीप वॉकिंग, देखिए इसमें कॉमे के बाद बट का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑल दो का प्रयोग नहीं हुआ है, इस तरीके से आप बट का प्रयोग कर सकते हैं तो ये सेंटेंस सही है। आई एम टायर्ड येट आई कीप वॉकिंग, इसमें कॉमा भी लगा है और येट भी लगा है लेकिन ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑल्दो नहीं है। यदि ऑल्दो होता तो फिर या तो आप कॉमा लगाते या फिर येट लगाते, लेकिन बिना ऑल्दो के आप कॉमा और येट ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, तो ये चारों सेंटेंस सही हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑल्दो आई एम टायर्ड येट आई कीप वॉकिंग, यहाँ पर कॉमा भी लगा दिया है और येट भी लगा दिया है और ऑल्दो भी लगा दिया है, इसलिए सेंटेंस आपका जो है ये गलत है। इस वाले सेंटेंस में देखिए नथिंग एल्स के बाद हम हमेशा बट लगाएंगे, नथिंग एल्स के बाद इसमें देन लगा हुआ है तो इसलिए सेंटेंस गलत है। यहां पर नथिंग एल्स के बाद हम बट का प्रयोग करेंगे इसलिए सेंटेंस जो है ये आपका सही है। यहां पर देखिए दो मैं कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूं, इंडीड के बाद आप डेट लगा सकते हैं, या तो आप डेट लगाइए या फिर इंडीड के बाद बट अगर लगा रहे हैं तो फिर आप नॉट का प्रयोग करिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहे। यहां पर देखिए आई एम इंडीड हैप्पी विद माई स्कूल,
दैट इट प्रोड्यूसेस फेमस फेमस मैन। ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि इसमें इंडीड के बाद दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मैं डेफिनेटली अपने स्कूल से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रोड्यूस करता है। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन यदि आप इंडीड के बाद बट लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आई एम इंडीड हैप्पी विद माई स्कूल, मतलब मैं अपने स्कूल के साथ खुश हूँ, मैं अपने स्कूल से खुश हूँ, बट इट डजेंट प्रोड्यूस फेमस मैन, लेकिन ये फेमस मैन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये सेंटेंस आपका सही है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई एम इंडीड हैप्पी विथ माई स्कूल बट इट प्रोड्यूसेस फेमस मैन। तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया कि मैं अपने स्कूल से खुश हूँ लेकिन ये फेमस लोगों को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया, यहाँ पर बट का प्रयोग तो गलत हो गया क्योंकि पूरी तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आई एम इंडीड हैप्पी विथ माई स्कूल दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस फेमस मैन। तो यहाँ पर ये दैट लगा दिया है, चूंकि डज नॉट लगा हुआ है इसलिए डज नॉट के बाद यहाँ पर आपको लगाना चाहिए बट, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो देखिए इसमें मैंने कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं प्रपोजिशन के और कंजक्शन के। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा 2 या 3 बार देखें तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और इसके बेस पर कोई सा भी स्पॉटिंग का क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन और फिलर्स का क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। इस नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको कोई क्वेरी है तो तुरंत मुझे कॉल करें और मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।